क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने नए सत्र की शुरुआत सोमवार को इनरवेल मैराथन दौड़ के साथ अलकापुरी से किया। इस मैराथन में कार्मल स्कूल के 175 छात्रों ने भाग लिया, जिन्होंने पौधे हाथ में लेकर पैदल मार्च किया और पेड़ बचाओ के नारे लगाए। मैराथन की शुरुआत क्लब फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय ने हरी झंडी दिखाकर किया। कार्मल स्कूल ने छात्रों ने पर्यावरण बचाओ और नृत्य नाटक और भाषण भी प्रस्तुत किए। साथ ही अतिथियों के साथ इनरविल के मेंबर्स ने कार्मल स्कूल के प्लेग्राउंड में वृक्षारोपण भी किया। साथ ही डॉक्टर्स डे और सीए डे के उपलक्ष्य में शहर के गणमान्य डॉक्टर और सीए को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया और सम्मान किया गया। वहां बच्चों के बीच एक स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन का भी आयोजन किया गया। अध्यक्षता सोनाली तरवे ने सभी अतिथियों प्रतिभागियों और कार्मल स्कूल का आभार व्यक्त किया। उनके सहयोग से ही कार्यक्रम सफल हो पाया। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाएं और पेड़ों को बचाने का संकल्प लें। मौके पर रंजना बगेड़िया, सुमन गौरीसरिया, अर्चना कुमारी, डॉक्टर विकास मथुरा, डॉक्टर पी सहाय, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर एनी, डॉक्टर शीतल गौरीसरिया, सीए विकास बगेड़िया, क्लब आईएसओ एडवोकेट सुनीता शर्मा, एडिटर दीप्ति सिन्हा, कार्मल स्कूल के टीचर्स तनुजा भूषण, रिया शर्मा, नमिता जमुआर, रश्मि गुप्ता, संगीता बसेवाला, आभा बगेड़िया, सुमन साव, मनीषा कपिश्वे आदि मेंबर्स मौजूद थे। हम अपने आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल करेंगे और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे हम जल की बर्बादी नहीं करेंगे और जल संरक्षण के उपाय अपनाएंगे। और मैं प्रेसिडेंट सोनाली तारवे इनरविल क्लब ऑफ ग्रेडी सनशाइन से आज यहां कार्मल स्कूल में उपस्थित हूं, जहां हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट से मिले हुए गोल इनरविल मैराथन करवाया। ये मैराथन हमने कार्मल स्कूल के ओल्ड बिल्डिंग से जीडी बगड़िया मोड़ तक करवाया। ये प्लेज के साथ सेफ ट्रीज ऐसा ओथ लेते हुए हम लोगों ने पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ का नारा लगाते हुए ये मैराथन हम लोगों ने किया है। यहाँ पे हम लोगों ने पेंटिंग कंपटीशन और स्लोगन कंपटीशन भी रखा था, जिसका थीम था सेव एनवायरमेंट। उसके बच्चों को भी हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड प्राइज दिया। आज हम लोग यहाँ पर गेस्ट के रूप में सभी डॉक्टर्स और सीए को बुलाए थे, जिनको हम लोगों ने फेलिसिटेट किया और सभी डॉक्टर और सीए ने भी यहाँ बच्चों को पर्यावरण बचाओ के बारे में सीख दी। यहाँ हम लोगों ने पेड़ भी लगाए हैं और सभी बच्चों के बीच में हम लोगों ने लगभग 150 पौधा बांटा है। वो लोग अपने घरों में जाकर इस पौधों के लगाएंगे और इस ओथ के साथ कि हम इस पेड़ को बचाएंगे, एक पेड़ की सुरक्षा करेंगे और उसे बड़ा करेंगे। यहाँ हमने आंवला, नीम, शीशम, अमरूद, आम जैसे पेड़ को डिस्ट्रीब्यूट किया है और सभी बच्चे उसकी देखभाल करेंगे। और यहाँ पर हमने वृक्षारोपण भी किया है। इसी के साथ हमने अपने नए सत्र की शुरुआत की है। धन्यवाद। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल जीडी बगेड़िया रोड बोड़ो पचम्बा गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें।